हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि देख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं स्टिचिंग एंड पैटर्न मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हैं। हाँ सॉरी, तो ये एम आई ऑडिबल? पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरी वॉइस आ रही है। आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे और कल जो हमने ड्राफ्टिंग करी थी, क्रिएटिव हॉबीज़। वालेकुम अस्सलाम, आ जाइए क्लास में, फिर स्टार्ट करती हूँ। जो हमने पैटर्न ड्राफ्टिंग करी थी कल, ये वाली करी थी ना, ये हमने करी थी, तो इसको हमें आप लोग आइए तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। आज इसी की कटिंग करते हैं। यही कुर्ती कैसे कट होती है यही मैं सिखाती हूँ आप लोगों को, और स्टिच कल होगी, आज फैब्रिक पे करेंगे इसे। हेलो देव, हाउ आर यू? हाँ ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी। तो आज की क्लास में इक्विपमेंट जो यूज होने हैं, ये यूज होना है, ये यूज होना है, एंड मिल्टन चौक यूज होनी है। बस ये दो तीन चीजें, पिन्स हैं, ये सब यूज होनी है और फिर हम सीखेंगे। चलिए मैं कैमरा पैक कर लेती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ कैसे कटोगी फैब्रिक पे। तो फैब्रिक, पहले सबसे पहले हम लेंगे फैब्रिक, देख रहे होंगे आप लोग, ये है हमारा फैब्रिक जो कि हमें स्टिचिंग के लिए यूज करना है। और मेज़र टेप लेनी है, और हमें चाहिए होगी मिल्टन चौक और मेज़र टेप। तो फैब्रिक पे सबसे पहले अपर पार्ट, ये वाला पार्ट कट करेंगे, ऊपर वाला, यहाँ से ये पार्ट कट करेंगे। तो साइज का इश्यू आता है तो साइज 4 फोल्ड कर लेंगे लेंथ वाइज से, ठीक है? ये लेंथ वाइज से 4 फोल्ड करा हमने, इसको स्ट्रेट करेंगे। प्रेस आउट कर लीजिएगा फैब्रिक को पहले, प्रेस से एकदम क्रीज आउट होना चाहिए। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। यहां से हम इसे मार्किंग करेंगे स्टार्ट, ये है सीजर्स। अब सबसे पहले इसमें जो हमारा ये है, इसकी लेंथ मेज़र करेंगे कि हमें कितनी लेंथ रखनी है। अगर हमें 14 की लेंथ चाहिए, सबसे पहले इसको यहाँ से फैब्रिक को हमें स्ट्रेट करना है, तो इतना हमें मार्क करना है
1 इंच पर, यहाँ से मार्क हो जाएगा, ये फैब्रिक स्ट्रेट हो जाएगा, ये यहाँ से इस तरह से मार्क हो जाएगा। अब इसमें लेंथ लेना है 14 इंच, तो प्लस 1 इंच कर देंगे इसमें, यहाँ से प्लस 1 इंच, ये मार्क करा 14 इंच प्लस 1 इंच फैब्रिक को कट करके। ठीक है, ये पूरा यहाँ से ये हमने मार्क कर दिया। अब इसमें अब बस्ट साइज जो है वो देखेंगे कि कितना बस्ट साइज का है। ये बस्ट साइज है इसमें 40, यानी ये वाला जो साइज होगा ये 38 का साइज का बन जाएगा। 38 में थोड़ा लूजिंग करेंगे, अगर हमें 36 का बनाना है तो 36 को मार्क करेंगे सबसे पहले, इसका लेवल यहाँ से पॉइंट 10 पे मार्क कर देंगे, ये है पॉइंट, और पहले 7 पे मार्क करेंगे, 7 इंच पर जो आपके बस्ट लेवल है मार्क कर देंगे यहाँ से। और इसके बाद में यहाँ से आपको एक नेक लाइन करनी है, लाइक नेक लाइन डिपेंड करती है कि आप कितनी रखने वाले हो, 2 इंचेस या 2.5, यहाँ से नेक का ये आपको, और इसका डेप्थ कितनी रखने वाले हो। अगर वी शेप में लेना है 7 इंच तो ये यहाँ आएगा, तो मैं वी शेप ही ले रही हूँ, यहाँ से शेप इसका वी शेप लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखना, इसके बाद में ये आपका यहां से ये हमने, आप नेक अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो, यहाँ से 3 पर भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये होगा आपका 7 इंच शोल्डर, ठीक है, ये आपका 7 इंच शोल्डर हो जाएगा, और यहाँ पे मार्क करोगे, ये मार्क करा, उसके बाद में सीधे आपको यहाँ मार्क करना है ये। इसके बाद नेक की डेप्थ आप देख लो कितना रखने वाले हो, अगर आपको नेक 4-3 पर रखना है तो ये एक मार्क यहाँ चला जाएगा, यहाँ रख सकते हो, और इसको यहाँ से ये। अब जो आपके कर्व की हेल्प से यहाँ से आपको शोल्डर्स बनाने हैं, सबसे ठीक है, ये हो गए आपके बैक। अब आपको फ्रंट का कर, इसको मिड कर लेंगे, ये वाला जो आपका मेजरमेंट है शोल्डर्स को मिट कर लेंगे। देखो यहाँ पे एक नॉच देना रहता है, 7 है तो ये यहाँ मिट करा इसको, और यहाँ से आपको हाफ इंच मार्क करना है, हाफ इंच मार्क करोगे यो, ये ऐसे, ये इतना डेप्थ होता है फ्रंट का, और ये वाला जो साइड है ये मैं ब्लू से कर देती हूँ, ये है बैक का, ये है बैक लाइन, ठीक है। और अब वेस्ट को मार्क करेंगे 36, वेस्ट में 34 हो जाएगी,
ये हम मार्क कर देंगे, ये वेस्ट है। 2 इंच कम कर दिया जाता है, ठीक है, ये इस तरह से इसमें पूरा मार्जिन प्लस करके आपको मार्क कर देना है ऐसे। अब इसको कट कर लेंगे, पहले फ्रंट बैक का कट करेंगे फिर फ्रंट का कट करते हैं। देखो इस तरह से, ये ऐसे मैंने ठीक है। अब ऐसे, अब यहां से आपको करना है सी, और इसको आपने क्या करना है, ये स्लोप डाउन करना है, शोल्डर स्लोप डाउन ऐसे। अब ये वाला पार्ट अलग कर लेना है, बैक और फ्रंट का दोनों पार्ट अलग कर देना है। ये बैक है, इसको अभी हम इसका नेक ऐसे ही अभी कट नहीं करेंगे, ये थोड़ा इसमें हम कॉलर रखेंगे, तो अगर कॉलर रखना है या फिर बहुत शैलो होता है इसका नेक। और ये है आपका फ्रंट का जो पार्ट कट हुआ था, ठीक है। ये 7 इंच ले लिया, 7.5 आ जाएगा ये नेक, वी नेक लाइन में कुछ इस तरीके से ये शो होगा, ये ऐसे। ये फ्रंट का पार्ट है, अब आपको बैक का नेक और फ्रंट में इसकी यहाँ डेप्थ होती है, जो जो शोल्डर्स हमने डेप्थ दी थी ना, उसमें शोल्डर्स में डेप्थ होती है थोड़ी ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से इतनी डेप्थ हो जाएगी। इसको हम ऐसे फोल्ड करके रख देते हैं अभी यहाँ। अब हम यहाँ इसके, अब यहाँ से देखिए नेक आपको कैसा रखना है, बैक का नेक 2.5 इंच रहता है वैसे, ये पूरा नेक ये इस तरह से बनता है, तो आप हल्का सा शैलो इसमें कट होता है, इस तरह से कट हो जाता है नेक ये बैक का नेक हो गया आपका, बस ये हल्का सा ऐसे रहता है, बस हल्का सा ये नेक थोड़ा और इसको करते हैं। ये मार्क कर लेते हैं पहले यहाँ से, इस वाले शोल्डर से ये वाला, ठीक है। यहाँ से देखो ये
इस तरह से ये नेक आएगा, ये एकदम हाफ ब्रश है, ये अपर पार्ट कट हो गया है, ये वाला पार्ट हमने कट कर दिया है, ये वाला फ्रंट और ये बैक, ये फ्रंट एंड बैक इस तरह से कट हो गए हैं। ये है फ्रंट स्टिच, मैं आपको कल करके दिखाऊंगी ये कुर्ती कैसी दिखेगी और इसमें क्या क्या हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये अपर का पार्ट, अब इसमें जो है फुल लेंथ कैसे लेंगे ये मैं आपको मैं कल बताऊंगी क्लास में, और आज थोड़ा नेटवर्क इशू है तो बस मैं इतनी क्लास लूँगी आज, ज़्यादा नहीं। कल की क्लास में आप लोग अवेलेबल रहिएगा। तो नीचे का जो स्कर्ट पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से कट होगा और कैसे उसको सेट करा जाएगा दूसरे कलर के कंट्रास्ट के थ्रू, उसकी स्लीट्स कहाँ जानी है और उसकी लेंथ कितनी रहेगी, वो सारा मैं आपको कल बताऊंगी। कुछ सवाल हैं तो शायद मैं आप लोग को जवाब दे देती हूँ अगर आप लोग को लाइव चैट। चलो कल ही, कुछ सवाल नहीं है आज, किसी का कोई सवाल है क्या मैम? मैं मार्क्स सही नहीं दिख रहा, प्रेस कर लेती कपड़े को तो विजिबल, हाँ वो बात सही है, बट मैं कल करूँगी उसे सारा सही विजिबल होगा। माहिरा सखार और प्रियंका, हेलो, अब कल की क्लास में आपको सारा करके दिखाऊंगी।